वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखने वाले। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की बातें देखने के पहले आप देख रहे हैं आज 238.65 पे ट्रेडिंग कर रहा है, 240 पैसे की गिरावट हो चुके है, तकरीबन 1% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक ओपन हुआ था, फ्लैट ओपन होने के बाद एक अच्छी मूवमेंट की थी यहाँ पे सुबह सुबह में, तकरीबन 245 का रेजिस्टेंस जैसे ही लगा तो वहाँ से अब गिरावट देखने को मिली, पर जब से प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया है तो वहाँ पे और भी गिरावट देखने को मिले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि ओपन हुआ था 242 पे आज के दिन में, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ था, हाई बनाया था 245.45 का और लो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन 237 का यहाँ पे लो बना चुका था। तकरीबन मार्केट कैप भी देखी जाए तो मार्केट कैप है 21.38,000 करोड़ की है, पी रेशियो 75.73 का और डिविडेंड यील्ड 0.63% की। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीब यहाँ पे आप देख सकते 1.77% की गिरावट देखने को मिले, पर 1 मंथ में तकरीबन 5.97 आने तकरीबन 6% ऑफ है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक का चार्ट एनालिसिस देखा जाए तो इस मंथ में यहाँ पे आप देख सकते कि एक अच्छी मूवमेंट की थी बाइंग साइड में, पर रेजिस्टेंस 1 को जैसे आप देख सकते कि ब्रेकआउट किया था तो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते ऊपर से फिर से गिरावट देखने को मिली, और रिसेंटली मंथली रेजिस्टेंस जो 1 है उसका कई दिन सपोर्ट लिया, अभी रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते उसको भी ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे आप देख सकते करंटली गिरावट देखने को मिल सकते है, जैसे ही ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते कि पर नीचे आता है तो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 235 तक आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं एक दो दिन में, नहीं तो ऊपर से फिर से यहाँ पे आप देख सकते रेजिस्टेंस 1 जो है तकरीबन 239.55 240 लेवल को फिर से ब्रेकआउट देता है ऊपर के साइड में, तो फिर ऊपर क्लोजिंग देता है रेजिस्टेंस 1 के, तो कल के दिन में थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट भी देखने को मिल सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट IEX स्टॉक के लिए।